चर्चा में सारी बातें सकारात्मक रही और उस चर्चा को सकारात्मक मान उन्होंने कहा मुख्यमंत्री महोदय से आप भेंट कर लीजिए, मुख्यमंत्री महोदय इस पर मुहर लगाएंगे, संविलियन के संबंध में विचार होगा, शासकीय के संबंध में विचार होगा और सातवें वेतनमान सहित जो हमारे समानुपातिक वेतन है वर्ग तीन के साथियों का क्रमोन्नत वेतनमान है और वेतनमान की विसंगति है, इसके अलावा समूह बीमा और ग्रेजुटी, इसके अलावा सीपीएफ कटौती जो समग्र में करना है, स्थानांतरण और अनुकंपा, इन सारे विषयों पर जो सामने पत्र थे उस पर चर्चा हुआ और उस चर्चा को वहां तक हम सकारात्मक ही मान रहे थे, यहां भी चर्चा सकारात्मक रहा, लेकिन कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी कि शिक्षा कर्मी आंदोलन में न जाए, इसके किसी प्रकार से घोषणा नहीं हुआ, किसी प्रकार से इस पर टाइम लिमिट तय नहीं हुआ, इसलिए ये आंदोलन कल से जारी रहेगा और हम अपेक्षा करते हैं कि इस विषय पर जो हम चाहते हैं कि शिक्षा कर्मियों को सौगात देने की मंशा माननीय मुख्यमंत्री की है, वो सौगात शिक्षा कर्मियों को मिले और उसकी प्रत्याशा में हम लोग लगातार बातचीत के रास्ते पर हैं और बातचीत सकारात्मक रहा, लेकिन उसको किसी प्रकार से लिखित में या इसकी घोषणा नहीं होने के मुद्दे पे सहमति नहीं बन पाई, डर देगी भैया नहीं, मुद्दे तो लगभग सब सहमति के थे, केवल संविलियन के संबंध में विचार किया जाएगा, इस प्रकार की बातें आई। सातवें वेतनमान को हम लोग चाहते थे कि प्रदेश के समस्त शिक्षा कर्मियों को 8 वर्ष का बंधन समाप्त करते हुए और साथ में जो वेतन विसंगति है उसको पहले ठीक करके वेतनमान देते हुए प्रदेश भर के शिक्षा कर्मियों को 7वां वेतनमान दिया जाए, हमारी चर्चा सकारात्मक रही। वो चर्चा में आई थी अध्यक्षता में कमेटी गठित करने की, लेकिन उस पर भी किसी प्रकार से आदेश नहीं हुए हैं, आदेश जब होगा वो अलग बात है, लेकिन कल से आप लोग हड़ताल करेंगे? हाँ, कल से आंदोलन पर। सर, इसे हमने आखिरी दौर की बातचीत मानी क्योंकि सीधे सीएम से आप लोगों की बात नहीं, हमको तो ये बताकर यहाँ पर लाया गया था कि संविलियन के संबंध में मुख्यमंत्री जी अलग से चर्चा करेंगे, बाकी विषयों पर पूरी सहमति है, हम इस सहमति को मानकर यहां पर चर्चा करने आए थे, लेकिन वो सहमति यहां पर पूरे ढंग से घोषित तौर पर नहीं दिखा, जिसके कारण हमको आंदोलन में मजबूरी बस जाना पड़ा। मुख्यमंत्री के साथ चर्चा में क्या बातें सामने निकल के आई? मुख्यमंत्री से चर्चा में सारे विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई और लेकिन इस विषय का जो आदेश है या किसी भी प्रकार से इसका एक डेडलाइन है वो सामने नहीं आया, जिसके कारण हमको आंदोलन में जाना पड़ा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अरविंद भाई निकाल लो आईडी, वो तमाम के साथ है और अब शिक्षक कर्मी एक सूत्री मांग को लेकर अब संविलियन जमक न हो तब तक ये जो लड़ाई है वो आगे। निश्चित रूप से प्रदेश के शिक्षक कर्मी पिछले 5 वर्ष में कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं किए थे और इसी अपेक्षा में बैठे थे कि जल्द से जल्द शिक्षक कर्मियों का जो है समाधान होगा, लेकिन ऐसे चुनावी वर्ष में भी जिस तरीके से हम लोगों की मांगों पर जिस जो चर्चा हुई उसमें जो की पहली राव साहब के साथ जो हुई और यहाँ पर चर्चा हुई उसमें कहीं ना कहीं हमको है शिक्षा विभाग के संपूर्ण जायदारी दोनों में तालमेल नहीं है, बिल्कुल बड़े पैमाने पर यहाँ पर स्कूल जो है वो प्रभावित हो रही है और बड़े पैमाने पर पंचायत विभाग के अधिकारी हैं संविलियन की मांग को लेकर अब किनारे जो है वो भावना एक तालमेल में कमी होने का कारण होगा, लेकिन भरने की बात है बजट आज ये बात यहाँ पर दिखा और किसी ने आ रही थी साथ ही आज बात को लेकर जो सचिव है वहाँ पर क्या बैठे अब उन मांगों को लेकर कहीं अब मुख्यमंत्री के समक्ष जब मांगों को रखा जाएगा तब कहीं ना कहीं एक निर्णय आएगा। ऐसी क्या परिस्थिति हुई, सीएम से कितने देर तक आप लोगों की बातचीत हुई, बातचीत में क्या बात है? निश्चित रूप से उसमें बात एक बिंदु यह आई थी कि संविलियन पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी डिसीजन लेंगे और अन्य बिंदुओं पर लगभग लगभग सहमति बन चुकी है, आंदोलन पर जा रहे हैं और हाउस में हमने जो चर्चा हमारी माननीय मुख्यमंत्री से हुई माननीय मुख्यमंत्री जी का हर बिंदु पर जो बच्चे का है था, लेकिन जहां तक है मुख्यमंत्री का निर्णय लेने की बात वहां पर कहीं ना कहीं अधिकारियों जो है उसमें टाइम लिमिट सहमति नहीं रखी तो कहीं ना कहीं प्रदेश हो जाएगा, अधिकारियों ने प्रदेश
ये पूरा छल किया है, जिससे आप आंदोलन में जाएंगे। क्या कोई कमेटी की भी बातचीत हुई है? क्या कोई कमेटी भी बनाई थी कि जो आज आदेश है शिक्षा कर्मियों के हित में नहीं रहा, इसलिए कमेटी हमारे लिए बहुत बड़ा विषय है। हमारे लिए सबसे बड़ा विषय ये है कि जब इतना बड़ा समूह जो है जब आंदोलन में जाने के लिए अल्टीमेटम 30 अक्टूबर को पूरे प्रदेश से 26 दिया, तो इन 20 दिनों में सरकार के द्वारा जो एक्सरसाइज किया जा रहा था उसका अभाव दिखा। और आज भी एक्सरसाइज जो है जिस तरीके से कल हर आएगा और अन्य समस्याएं जो है उस पर जो पूरे प्रदेश भर में 146 विकास खंड में हमारे साथी आंदोलन पर हैं। हमारी 9 सूत्री मांग है संविलियन, शासकीकरण, 7वां वेतनमान, समान काम समान वेतन, इसके अलावा 9 सूत्री मांग है। एक कमेटी का गठन किया गया है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, तो 3 महीने में सूत्री मांगे हैं उस पर अपनी राय देगी। इस कमेटी को जो बनाया गया इससे संतुष्ट? देखिए कमेटी की बात, जो वेतन विसंगति है उसके लिए कमेटी की बात आई थी। आप देखिए अगर हम समान काम समान वेतन की बात करते हैं, अगर हम शासकीकरण संविलियन की बात करते हैं, अगर 7वां वेतनमान की बात करते हैं, वेतन भत्तों की बात करते हैं, तो ये तो पहले से तय है, इसके लिए कमेटी की कोई आवश्यकता ही नहीं। और प्रदेश में शिक्षा कर्मियों के लिए ये 24वां कमेटी है। ये कमेटी बनाने से पूरे विकास होने वाला है, केवल उस पर ठोस निर्णय की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की चर्चा सकारात्मक रही, लेकिन उस पर किसी प्रकार से आदेश या डेडलाइन तय नहीं हुआ, जिसके कारण ये आंदोलन जाने के लिए हम मजबूर हैं। 146 ब्लॉक्स इतने तक पर बने थे, 146 ब्लॉक्स में हम हड़ताल पर जा रहे हैं, मतलब ये साफ हो गया। एक बात है, अगर ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? पहला तो ये जब तक मांगे नहीं पूरी होगी, जब तक जारी रहेगी बीच को रास्ता निकल। देखिए छात्रों के भविष्य का भी सवाल, छात्रों के भविष्य के लिए हम चिंतित हैं और संवेदनशील हैं, और कहीं भी किसी भी स्तर पर चर्चा के लिए बुलाया जाएगा तो उस चर्चा में हम शामिल रहेंगे। मुख्यमंत्री महोदय का सकारात्मक रुख है, लेकिन अधिकारियों की जो अलग अलग स्थिति है, शिक्षा विभाग की सोच अलग है, पंचायत विभाग की सोच अलग है, और जो आज चर्चा हुई उसके पहले वहां पर हमें बताया गया था कि किसे केवल संविलियन और शासकीकरण के विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी से आप चर्चा करेंगे, बाकी विषयों पर पूरी सहमति हो गई है। वो सहमति के आदेश हमको चाहिए थे, निश्चित रूप से उसके बाद ये गतिरोध समाप्त हो सकता था, लेकिन यहाँ आने पर पता चला कि जिस बात पर वहाँ पर सहमति करके हम लोग आए थे उस विषय पर भी यहाँ पर पूरी चर्चा नहीं हुई है, इस कारण से ये गतिरोध बना और कल आंदोलन में जाने के लिए हम मजबूर हुए। लेकिन साफ है शिक्षा कर्मियों ने अगर निर्णय ले लिया है तो पूरे